हेलो एवरीवन, आई एम हितेश शिवानी, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। ओके, तो आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी कि एक ऑफशोर पे वीडियो बनाइए, सो हेयर आई एम कवरिंग द टॉपिक लाइफ एट ऑफशोर। ओके, तो ये जो वीडियो है इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, एवरी लाइन वुड बी ओवर फ्लोइंग विद इन्फॉर्मेशन, सो सिट टाइट, बी विद मी टिल द एंड। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ऑफशोर से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन एज सिंपली एज आई कैन विदाउट इन्फ्रिंजिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी। बिना कॉन्फिडेंशियलिटी को तोड़े मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, और इन केस मेरे मुँह से कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ गलती से निकल जाए, सो जस्ट रिमेंबर यू डिडंट हियर इट फ्रॉम मी। ओके, नहीं तो फिर कंपनी मुझसे बोलेगी निकल, पहली फुर्सत में निकल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि ऑफशोर ड्यूटी पैटर्न क्या है, और इज इट ट्रू कि हाफ मंथ वर्क हाफ मंथ हॉलीडे। सो द आंसर इज यस, हाँ ये ट्रू है, हाफ मंथ काम हाफ मंथ हॉलीडे। आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज दिस। सो सबसे पहले हम इस ड्यूटी पैटर्न को समझते हैं कि ये क्या होता है। तो इस ड्यूटी पैटर्न को बोलते हैं ऑन ऑफ ड्यूटी पैटर्न। तो ऑन पीरियड होता है जब आप ड्यूटी पे होते हैं, जब आप काम पे होते हैं, और ऑफ पीरियड होता है जब आप ऑफ पे होते हैं, जब आप हॉलीडे पे होते हैं। तो ये हो गया ड्यूटी पैटर्न। ONGC में ऑन ऑफ के दो तरीके के पैटर्न्स हैं, सो वन इज 14 डेज ऑन ऑफ एंड अनदर इज 21 डेज ऑन ऑफ। सो 14 डेज ऑन ऑफ में 14 डेज वर्क 14 डेज हॉलीडे, 21 डेज ऑन ऑफ में 21 डेज वर्क 21 डेज हॉलीडे। नाउ टू क्वेश्चन अराइज, पहला, क्या पूरी कंपनी में हर कोई ऑन ऑफ पे है? सो द आंसर इज नो, कंपनी बहुत बड़ी है, देर आर वेरियस काइंड ऑफ प्रोफाइल्स। सो किसी की ऑफिस जॉब है, कोई प्लांट पे है, कोई प्रोसेसिंग प्लांट पे है, कोई लोडिंग टर्मिनल पे है, कोई ऑनशोर में है, कोई ऑफशोर में है, सो कंपनी बहुत वास्ट है। तो ये सिर्फ जो ऑन ऑफ का पैटर्न रहता है वो कुछ लोकेशंस पे ही रहता है, ऑफशोर पे तो डेफिनेटली रहता है। सेकंड क्वेश्चन इज कि क्या सिर्फ ऑफशोर में ही रहता है ऑन ऑफ का ड्यूटी पैटर्न? सो द आंसर इज नो, ऑन लैंड यानी कि ऑन शोर पे भी आप कर सकते हैं ऑन ऑफ, देर आर वेरियस लोकेशंस वेयर यू कैन डू ऑन ऑफ फ्रॉम ऑन शोर एज वेल। क्योंकि ये वीडियो ऑफशोर के बारे में है, सो आई विल ओनली बी कवरिंग दैट। तो ऑफशोर में 14 डेज ऑन ऑफ है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं जो कि रहेगा ट्रांसपोर्टेशन का, कि हाउ डू आई रीच माय वर्क लोकेशन, मैं अपनी वर्क लोकेशन पे कैसे पहुंचता हूं? तो बेसिकली आई वर्क एट वेस्टर्न ऑफशोर, यू कैन सी दिस इज वेस्टर्न ऑफशोर, दिस इज ईस्टर्न ऑफशोर। तो मैं अपने घर से होम टाउन से निकलता हूं और मुंबई रिपोर्ट करता हूं। मुंबई से आई बोर्ड अ हेलीकॉप्टर, आई टेक अ चॉपर, मैं हेलीकॉप्टर में बैठता हूं एंड देन आई गो टू माय वर्क लोकेशन। सो द पॉइंट टू मेंशन हियर इज कि ऑल द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आर कवर्ड बाय कंपनी राइट फ्रॉम माय होम टाउन टिल माय वर्क लोकेशन। सो जितना भी ट्रैवल का खर्चा होता है वो सारा का सारा कंपनी देती है, मेरे होम टाउन से, मेरे घर से लेके वर्क लोकेशन तक पहुंचने तक का ऑल इज कवर्ड। क्योंकि कैमरे वाला मोबाइल फ़ोन इज नॉट अलाउड टू द वर्क लोकेशन, सो वी आर नॉट अलाउड टू टेक विजुअल्स, इसलिए मैं आपको विजुअल्स नहीं दिखा सकता, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ कॉन्फिडेंशियल एज वेल। पर कुछ प्राइवेट कंपनीज जो कि इंडियन ऑफशोर में वर्क करती हैं, उनके कुछ मुझे ऑनलाइन वीडियोज़ मिले हैं, तो मैं वो आपको दिखा सकता हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरीके का कुछ हमारी लैंडिंग रहती है हेलीकॉप्टर की जब हम अपनी वर्क लोकेशन पहुँचते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन यू ऑल माइट बी हैविंग इन योर माइंड कि लोकेशन क्या है भाई, काम कहाँ करना है? तो टू दैट, ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले थोड़ा टेक्निकलिटीज में बताऊँगा। तो बेसिकली ऑफशोर में आइदर यू वुड बी एट रिग्स और प्लेटफॉर्म्स। तो रिग्स होते हैं बेसिकली विच कैन मूव, तो एक ड्रिलिंग रिग होता है, एक वर्क ओवर रिग रहता है, और प्लेटफॉर्म में प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म रहता है। तो बाकी लेमन टर्म्स में बोला जाए तो आपकी वर्क लोकेशन या तो मूविंग होगी या स्टेशनरी होगी, या तो आप रिग्स पे होंगे या प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म पे होंगे। आई वर्क एट प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म, तो आई वुड बी फोकसिंग ऑन दैट, प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म पे ही मैं आगे कंटिन्यू करूँगा बताना। और इट डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब रिग्स और प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म लाइफ स्टाइल और वर्किंग पैटर्न वगैरह ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या होता है। तो अगेन वी आर नॉट अलाउड टू टेक पिक्चर्स और वीडियोस, तो मैं आपको दिखा तो नहीं सकता, बट टू गेट अ बेटर फील मुझे इंटरनेट पर फिर से एक वीडियो मिला जो कि प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म का है, आप देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और आई डोंट नो विच ऑफशोर इट्स फ्रॉम,
ये कौन से ऑफशोर से है, अरेबियन सी से है या इंडियन ऑफशोर से है भी कि नहीं, बस जस्ट टू गिव यू अ फील ये वीडियो देखिए। आइए तो नेक्स्ट बात करते हैं अकोमोडेशन की। मैं जानता हूँ आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम 14 डेज रहते कहाँ पर हैं, और अक्सर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आप 14 डेज कैसे रहते हैं, क्या आप अप डाउन करते हैं, क्या आप शाम को मुंबई वापस आते हैं और फिर अगले दिन वापस ऑफशोर जाते हैं। सो द आंसर इज़ नो, हमारा अकोमोडेशन वहीं पर अरेंज्ड है, हम लोग 14 डेज वहीं पानी के बीच में ही रहते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ आपको कि अकोमोडेशन हमारा होता कैसा है। तो बेसिकली सिंगल रूम होता है और उसमें बंक बेड्स यूज़ होते हैं, बंक बेड्स। ओके, तो वो जो रूम है वो टू मैन शेयरिंग भी हो सकता है, फोर मैन शेयरिंग भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। मतलब लोकेशन पे डिपेंड करता है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म के अलग अलग अकोमोडेशंस हैं। तो हमारे वाले प्लेटफॉर्म पे दोनों हैं, टू मैन शेयरिंग भी है, फोर मैन शेयरिंग भी है। सिंगल मैन शेयरिंग नहीं मिलता है, वो जब आप हायरार्की में बहुत ऊपर पहुंच जाते हो, जब आप ऊपर लेवल पे पहुंच जाते हो डेजिग्नेशन में, वो तभी मिलता है। मे बी जब तक आप यहाँ पहुँचोगे तब जाके आपको सिंगल रूम मिलेगा। ओके, सो अगेन वी आर नॉट अलाउड टू टेक एनी वीडियोज़ फोटोज़, सो बट स्टिल आप लोगों को एक फील देने के लिए मुझे एक प्राइवेट कंपनी का, एक प्राइवेट बार्ज का मुझे एक वीडियो मिला है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये ऑफिशियल वीडियो कंपनी ONGC का नहीं है, ये एक प्राइवेट कंपनी का है, हैव अ लुक। आइए अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो की तरफ, जो कि है वर्क प्रोफाइल। बेसिकली काम क्या करना है भाई। तो देखिए वर्क प्रोफाइल का ऐसा है कि मतलब एट ऑफ शोर हर इंजीनियरिंग स्ट्रीम की एक टीम होती है, बी एट इलेक्ट्रिकल, बी एट मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, हर इंजीनियरिंग स्ट्रीम से एक एक टीम ऑफशोर को रिक्वायर होती है। अब मैं सारी वर्क प्रोफाइल्स तो कवर नहीं कर पाऊंगा इस वीडियो में, वो इस वीडियो के स्कोप के बाहर हो जाएगा, उसको किसी दूसरे वीडियो में स्केड्यूल करते हैं। अभी मैं अपना काम बता देता हूँ। तो मैं एक प्रोडक्शन इंजीनियर हूँ, और अपना काम अगर मुझे ब्रीफली बताना हो कंक्लूसिवली ये रहेगा कि मतलब बेसिकली वी डू ट्रबल शूटिंग ऑफ द इक्विपमेंट्स, वी अटेंड एनी माल फंक्शनिंग हैपनिंग, एंड बेसिकली वी ऑपरेट द होल प्लांट, वी हैव टू ऑपरेट द होल प्लांट यूजिंग अ कंट्रोल सिस्टम एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, टू इंश्योर प्रोडक्शन, हमें प्रोडक्शन इंश्योर करना है कि प्रोडक्शन आ रहा है कि नहीं ऑयल का गैस का। तो ये हमारा मेन टास्क रहता है, और कंक्लूसिवली यही पॉइंट्स रहते हैं हमारे। मतलब बहुत सारे और भी काम रहते हैं पर ब्रीफली अगर बताना हो तो यही हमारा काम रहता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देते हैं अब। एक और क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स के द्वारा, कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फीमेल्स एट ऑफशोर। तो बेसिकली आई वुड से यस, देर आर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफशोर में फीमेल्स के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ हैं बट बहुत कम, बहुत थोड़ी सी हैं, और कुछ सिलेक्टेड लोकेशंस पे ही फीमेल्स के लिए वर्क पोजीशंस हैं। और सो यस, देर आर फीमेल्स एट ऑफशोर। ऑल द बॉयज आफ्टर हियरिंग दिस वुड बी लाइक ओहू ऑफशोर आई एम कमिंग। तो आइए अब बात करते हैं साइट फैसिलिटीज़ की। सबसे पहले बात करेंगे फूड की, मील्स की। तो देखिए मतलब मील्स का ऐसा रहता है कि मतलब इट वेरीज फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन, डिफरेंट डिफरेंट रिग्स पे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी है, तो फूड का सर्विस डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन। और अपार्ट फ्रॉम दैट, खाने की ओपिनियन, जो फूड की ओपिनियन होती है वो पर्सन टू पर्सन बहुत ज़्यादा वेरी करती है। सो अकॉर्डिंग टू मी, इन माई ओपिनियन, एट माई लोकेशन, मेरी जगह पे जो खाना है, जो सर्विस है, फूड, जो मील्स हैं, दे आर लाइक अ 3-star होटल। सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स लाइक 3-star सर्विस। थक गया यार। तो आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की। इंसान अपने फ्री टाइम में वहाँ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकता है। तो बेसिकली इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लोकेशन टू लोकेशन, ये भी डिपेंड करता है लोकेशन पे, बट ऑल इन ऑल डेफिनेटली आउटडोर गेम्स तो नहीं खेल सकता, तो इंडोर गेम्स डेफिनेटली खेल सकता है। तो बेसिकली इंडोर गेम्स में रहता है कि चेस, लूडो और टेबल टेनिस, फूसबॉल, तो ये सब तो मोस्ट ऑफ द लोकेशंस पे होते ही होते हैं। तो बेसिकली एक टीवी रूम होता है, एक कार्ड रूम होता है, जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ कर सकता है इंसान, और वहीं पे ये सारी चीज़ें, ये सारे गेम्स पड़े रहते हैं।
तो अगेन वी आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी कैमराज देयर, पर आप लोगों को थोड़ी फील आए इसके लिए इंटरनेट पे मुझे एक प्राइवेट कंपनी के प्राइवेट बार्ज का एक टीवी रूम का एक हल्का सा छोटा सा वीडियो मिला है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। तो देखते हैं, हल्का सा एक ब्रीफ सा ही वीडियो है और तो कुछ ऐसा रहता है। उसके अलावा एक जिम भी रहता है, तो मोस्ट ऑफ द लोकेशन पे एक जिम भी रहता है। और या दैट्स इट फॉर लाइक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। सो ऑल इन ऑल मतलब ऑफशोर एक अलग ही एक्सपीरियंस है, एक अलग ही दुनिया है। और अगर इस वीडियो के थ्रू वो दुनिया का अगर मैंने हल्का सा भी इम्प्रेशन अगर आपको इम्पार्ट किया होगा, सो आई विल कंसिडर दैट आई हैव सक्सीडेड इन दिस वीडियो। और अपार्ट फ्रॉम दैट, नेक्स्ट वीडियो क्या मतलब कौन सा टॉपिक मुझे कवर करना चाहिए कमेंट करके बता दीजिएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योर फैमिली, स्टे।